हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इधर देख सकते हैं मैंने पकौड़ा बनाया है, एक के लेके मुचा से कितने सारे पकौड़ा बना है। तो चलिए देखते हैं। इधर प्याज कुछ इस तरह से काट कर लिया है और इधर केले के मुचा पहले से मैंने बॉईल करके रख दिया है। बॉईल करके इसका जो पानी है वो निकाल लिया था। अभी जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। अभी क्या करेंगे, मिलाएंगे। और अभी देख सकते हैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। अभी बेसन डाल दूंगी, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स करेंगे, आप लोग चाहे हाथ से चाहे चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ के जैसा नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रही थी, हाथ से कर रही थी। और अभी पानी डाल देंगे, पानी डालकर अच्छे से ऐसा करके रख देंगे साइड पर। अभी कढ़ाई रख दिया है, तेल डाल दूंगी। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी एक एक करके पकौड़ा डाल देंगे। ये तुरी बड़ा साइज का बना रही हूँ, क्योंकि जो मूछा के पकौड़ा है, केले की मूछा के पकौड़ा, वो छोटा साइज का अगर होता है तो अच्छा होता है खाने में, बहुत किस्मी बनती है। तो मैं अलग अलग करके बनाऊँगी, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आई होप आप सबको अच्छा लगे। और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी छोटा साइज का बनाएंगे, देख सकते हैं एक एक करके डाल दूंगी। और ये इफ्तार के लिए बनाऊंगी। इफ्तार के लिए आज ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी, पकौड़ा ही दिखाऊंगी और जो मीठा मिस्टी लाओ बोलते हैं, और इसको कुमड़ा भी बोलते हैं, मिस्टी लाओ भी बोलते हैं, मीठा लाओ भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। तो इसका एक रेसिपी बनाऊंगी पकौड़ा बनाने के बाद। और देख सकते हैं गोल्डन कलर हो चुका है, उतार लेंगे अभी। और इधर देखिए, एक केले की मूछा और तीन तरह के पकौड़ा देख सकते हैं, एक छोटा साइज का और एक बहुत छोटा साइज का, एक बड़ा साइज का। तो एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कैसे तोड़ लिया। और एक तोड़ के दिखाऊंगी, ये देखिए छोटा साइज का है। और ये देखिए, इनको तो बनाना दिखाया नहीं, और कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। इधर देखिए, ये जो इसकी बारे में बात की थी ये वही है, इनको काट लिया ऐसे करके, ऐसे पीसेस करके काट लिया। और इनके लिए लिया है 2 तेज़पत्ता, पहले गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और ये क्या पाउडर था मैं भूल चुकी हूँ, और 2 तेज़पत्ता। कढ़ाई पर तेल डाल दूँगी, डालकर इनको डाल दूँगी। पहले इनको फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। और आज कुछ अलग से इनको बनाएंगे, तो आप लोग पूरा पूरी वीडियो को देखिएगा। तो ये फ्राई हो चुका है जितना हमें फ्राई करना था। अभी प्याज डाल दूंगी, इस इनके ऊपर डालेंगे, डालकर देखिए। अभी जो सूखी मसाला था वो डाल दिया,
डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी क्या करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पानी सूख चुका है, देख सकते हैं, हो चुका है, देख सकते हैं कैसे बना है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कैसा होगा और खा के बता रही हूँ। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत टेस्टी हुआ है, क्या बोलूँ। और आज के ही तरह की रेसिपी बनाया है, चिकन से पुलाव और चिकन की खाल, देखिएगा आप लोग ज़रूर।